खबर हल्द्वानी से है, जहां गोवा पड़ाव के पास हरिपुर पूर्णानंद गांव के लोग पिछले 18 दिनों से एनएचएआई के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि 2012 में जब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 का निर्माण शुरू हो गया था, तब उन्हें बताया गया था कि हरिपुर पूर्णानंद गांव के सामने ओवरब्रिज बनाया जाएगा, लेकिन उसकी लेंथ 220 मीटर रहेगी। इसके बाद ग्रामीणों ने बताया कि 2024 में जब आरओबी बनाया जा रहा है तो उसकी लेंथ 800 मीटर तक पहुंच गई है, जिससे कि दोनों तरफ के गांव जलभराव की चपेट में आ गए हैं। लोगों के रास्ते बंद हो गए हैं और हल्की सी बरसात में पूरे इलाकों में घरों में और फसलों में पानी भर जाता है। ग्रामीणों की मांग के बाद जहां स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे, तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर ने भी निरीक्षण किया, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। ग्रामीणों को केवल आश्वासन ही मिला है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मतलब सुनाई कर रहे वो कर कोई कुछ नहीं रहा है। अब हम 18 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, हमें घर से आने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ पर आदमी गिर जा रहे, हम क्या करें? और न पानी से भर जा रहा, न बच्चे स्कूल जा पा रहे, न गाड़ी चल रही है, और इधर जाने का रास्ता चाहिए हमें पानी। पहले दो गूल थे, इसमें गूल बंद कराए गए, इसमें इतना बड़े पाइप डाल दिए, उसमें गाड़ी भी नहीं चल रही, ऊपर से मिट्टी भर दी, फिर सीमेंट डाल दिया, हम जाएंगे कैसे? ये जनता के लिए तो रोड बन रही, जनता को डुबा देते हैं, तो ये रोड से क्या करेंगे? रास्ता बिल्कुल बंद है, पानी सब सब कॉलोनियों में भर रहा है। ये कम से कम 100-200 फीट ऊपर आ गई हैं सड़कें, और शहर का पानी सब यहाँ को बहते जा रहा है। मेरा यही कहना है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, इस एक तरह से प्रेशर बनाने के लिए कह सकते हैं, दबाव की राजनीति हम कह सकते हैं, क्योंकि हम उससे ज्यादा आम जनता कुछ नहीं कर सकती। हम तो एकदम आम जनता है, हम ये चाहते हैं कि ये जो सड़क है 100 मीटर कम से कम नीचे हो जाए, और जिससे हमारी जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ये सब नीचे होगा तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ड्रेनेज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो हमारी जो कॉलोनियों में पानी भरता है वो सब ठीक होगा। एक तरह से दबाव की राजनीति के ही हिसाब से हम यहाँ बैठे हैं।